दोस्तों, आईपीएल 2023 का एक और धमाकेदार मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आरसीबी को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। दोस्तों, आपको बता दें, इस मुकाबले में आरसीबी ने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के दम पर 199 रन बना लिए और मुंबई इंडियंस के सामने 200 रनों का विशाल स्कोर दे दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस की टीम ने ईशान किशन की शानदार गेंदों में 42 रनों की धमाकेदार पारी और T20 के नंबर एक बल्लेबाज सूरज कुमार यादव की 35 गेंद में 83 रनों की धमाकेदार पारी, वडेरा की 34 गेंद में 52 रनों की पारी के बदौलत मुंबई इंडियंस ने इस मुकाबले को 20 रन शेष रहते 6 विकेट से अपने नाम कर लिया। दोस्तों, मुंबई इंडियंस का यह मुकाबला जीतने के बाद आईपीएल 2023 के पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़े बदलाव हो गए हैं, जिसमें से कई टीम ने तो आईपीएल 2023 के प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गई है और कई टीमों को बड़ा झटका लगा है। दोस्तों, यह मुकाबला जीतने से पहले मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर मौजूद थी, लेकिन दोस्तों, यह मुकाबला जीतने के बाद मुंबई इंडियंस को पॉइंट्स टेबल में बहुत बड़ा फायदा हुआ है। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के मैच के बाद पॉइंट्स टेबल में किस किस टीमों को बड़ा फायदा हुआ और कौन कौन सी टीमों को तगड़ा झटका लगा है, और दोस्तों, आईपीएल 2023 के पॉइंट्स टेबल में कौन कौन सी टीमें कितने नंबर पर मौजूद है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी सूरज कुमार यादव को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस मजेदार वीडियो की शुरुआत करते हैं। पॉइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर यानी 10वें नंबर की टीम के बारे में बात करें तो 10वें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स का नाम आता है। दिल्ली ने अभी तक आईपीएल 2023 में 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 मुकाबलों में दिल्ली को जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। तो आपको बता दें, दिल्ली कैपिटल्स के 8 अंक हैं और -0.53 का नेट रन रेट है। दोस्तों, दिल्ली को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए लगातार 4 मुकाबले को जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा, तभी दिल्ली कैपिटल्स की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। वहीं पर दोस्तों, 9वें नंबर की बात करें तो 9वें नंबर पर सनराइजर्स हैदराबाद का नाम आता है। हैदराबाद ने अभी तक आईपीएल 2023 में 10 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 4 में जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें कि हैदराबाद के इसी के साथ 8 अंक हो गए हैं और -0.47 का नेट रन रेट है। हैदराबाद को भी प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अपना नेट रन रेट सुधारने के साथ साथ बाकी के 4 मुकाबले जीतने होंगे, तभी हैदराबाद की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। दोस्तों, आज की पॉइंट्स टेबल में 8वें नंबर पर शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग्स का नाम आता है। पंजाब ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के कारण पंजाब के 10 अंक हो गए हैं और -0.44 का नेट रन रेट है। पंजाब को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 4 में से 3 मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट बहुत ही ज़्यादा बेहतर करना होगा। दोस्तों, पॉइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का नाम आता है। मुंबई इंडियंस से हार मिलने के बाद बेंगलोर को बहुत बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि आरसीबी ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, उनमें से 5 में जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ आरसीबी के 10 अंक हो गए हैं और -0.34 का नेट रन रेट है। आरसीबी को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 3 मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा। वहीं पर दोस्तों, 6वें नंबर पर कोलकाता नाइट राइडर्स का नाम आता है। कोलकाता ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में जीत मिली है और 6 में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ कोलकाता के 10 अंक हो गए हैं और -0.08 का नेट रन रेट है। केकेआर को भी प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए 3 मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट भी बहुत ज़्यादा बेहतर करना होगा। दोस्तों, 5वें नंबर पर राजस्थान रॉयल्स का नाम आता है। जी हाँ दोस्तों, संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स को मुंबई इंडियंस के जीतने के बाद बहुत बड़ा झटका लगा है। मुंबई के जीतने से पहले राजस्थान रॉयल्स पॉइंट्स टेबल में 4थे नंबर पर बैठी थी, लेकिन दोस्तों, मुंबई इंडियंस की जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स 5वें स्थान पर आ गिरी है। आपको बता दें कि राजस्थान ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 5 में जीत मिली है और 6 में हार मिली है। इसी के साथ राजस्थान रॉयल्स के 10 अंक हो गए हैं और 0.39 का नेट रन रेट है।
दोस्तों पांचवें, छठवें, सातवें और आठवें नंबर की टीम यानी कि राजस्थान रॉयल्स, कोलकाता नाइट राइडर, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर, पंजाब किंग्स को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चार में से तीन तीन मुकाबले जीतने होंगे और अपना नेट रन रेट भी बेहतर करना होगा कि ये चारों टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। वहीं पर दोस्तों चौथे नंबर की बात करें तो पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर लखनऊ सुपर जॉइंट्स का नाम आता है। मुंबई इंडियंस के जीतने के बाद राजस्थान के साथ साथ लखनऊ को भी बड़ा झटका लगा है। मुंबई इंडियंस के जीतने से पहले लखनऊ तीसरे नंबर पर मौजूद थी, लेकिन मुंबई के जीतने के बाद लखनऊ तीसरे से चौथे नंबर पर आ गिरी है। दोस्तों अगर बात करें तो लखनऊ ने आईपीएल 2023 में अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से पाँच में जीत मिली है और पाँच मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ लखनऊ के 11 अंक हो गए हैं और 0.29 का नेट रन रेट है। लखनऊ को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए चार में से तीन मुकाबले जीतने होंगे। पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस का नाम आता है। दोस्तों आरसीबी को हराने के बाद मुंबई इंडियंस को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है। आप बता दें कि आरसीबी से मुकाबला जीतने से पहले मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में आठवें नंबर पर मौजूद थी, लेकिन दोस्तों आरसीबी को हराने के बाद मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में तीसरे नंबर पर आ पहुंची है। आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिनमें से 6 में जीत मिली है और 5 मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। इसी के साथ मुंबई इंडियंस के 12 अंक हो गए हैं और -0.26 का नेट रन रेट है। मुंबई इंडियंस का नेट रन रेट तो थोड़ा सा कमजोर है, इसीलिए मुंबई इंडियंस को प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए अब अपना नेट रन रेट सुधारना होगा, साथ में तीन मुकाबले में से दो मुकाबले जीतने होंगे, तभी भी मुंबई इंडियंस की टीम प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर पाएगी। इसकी पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स आती है, जिसने आईपीएल 2023 में अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 6 में जीत और 4 में हार मिली है। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स के 13 अंक हो गए हैं और 0.41 का नेट रन रेट है। प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए मात्र दो मुकाबले जीतने होंगे। तो पहले नंबर पर अभी भी हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस विराजमान है। गुजरात ने अभी तक 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 8 में जीत और 3 में हार मिली है। इसी के साथ गुजरात के 16 अंक हो गए हैं, इस 0.95 का बहुत बढ़िया रन रेट है। इसी के साथ गुजरात टाइटंस आईपीएल 2023 में सबसे पहले प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने वाली टीम बन गई है और इन टीमों को क्वालिफाई करना होगा, वो कौन सी टीम होगी हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो को एक लाइक और हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट मलाई को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।